आज है महाअष्टमी और मैं अभी हूँ मेरे जो मोहल्ला है उसका जो पैंडल है वहाँ पे, यहाँ पे आज है एक फीस्ट। हम लोग महाअष्टमी के दिन खिचड़ी भोग खाते हैं, तो वो आप लोगों को दिखाऊंगी। इधर ही है आज का लंच। और एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, पीछे जो है ना इतना सारा प्राइज मिला है इस बार नहीं, मतलब जितने साल से हो रहा है पूजा, टोटल मिला कि इतना सारा मिला है प्राइजेस। और मूर्ति भी दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। आज तो पूरा गैंग के साथ है तो बहुत मज़ा आने वाला है, आगे देखते रहिए, बहुत फन होगा आज। साइड में ये है कौला बहू जो कि गणेश जी का पत्नी है, ये है लक्ष्मी देवी, वो बीच में है माँ दुर्गा, फिर उसके साइड में है सरस्वती और साइड में कार्तिक, और नीचे तो ये सिंह है जो कि वाहन है और महिषासुर, मतलब हाँ इससे निकला हुआ है तो इसीलिए वो असुर का नाम है महिषासुर। ये जो पूरा है ना ये एक चाला बोलते हैं, क्योंकि पीछे का जो ये है वो उसको हम लोग एक चाला बोलते हैं। तो मैंने मेरे लड़की को दूसरे को रखने के लिए दिया था, तो मेरा लड़की मेरे पास आज आ गई है, तो मेरा वाइफ मेरे लड़की को लेके अभी खड़ी है यहाँ पे। मैंने मेरे लड़की को इसके पास दिया था रखने के लिए, ठीक है, 2 साल से इसके पास था, तो अभी आज 2 साल से रखने के लिए दिया था ना, 2 साल से रखने के लिए इसको दिया था, तो आज मैंने लड़की को मेरे लड़की को ले लिया, तो थैंक यू भाई मेरे लड़की को मेरे को देने के लिए, थैंक यू। का पूजा जब ख़त्म होता है और नवमी का पूजा स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम है उसी को बोलता है संधि, तो वो टाइम में होता है संधि पूजा। और संधि पूजा में ऐसे ही 108 दिया जलाना पड़ता है, तो वही हो रहा है अभी। अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा पैंडल हॉपिंग के लिए, सुबह तो इतना खाना वाना खा के सो गए थे, तो अभी थोड़ा फ्रेश व्रेश होके चेंज करके जा रहे हैं। कौन दिखे जाबो हमरा नॉर्थ के तरफ ही चलते हैं।
अभी हम लोग है बेलेघाटा 33 नंबर पोल्लीवासी बिंदु में। तो यहाँ का थीम जो है वो है रोड लेके, रास्ता बना हुआ है एक पीच का रास्ता, और डेकोरेशन जो भी है वो हॉर्न, हेडलाइट या गाड़ी का लाइट, गाड़ी का पार्ट, ये सब से बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बट भीड़ इतना ज़्यादा है कि क्या बोले। इतना छोटा पैंडल में भीड़ देखो यार, बाप रे बाप। यहाँ देवी का वाहन सिंह के बदले में घोड़ा है। भगवान इतना भीड़ है अंदर, ऐसे लोग आ रहे हैं बाहर से, देखो दो साइड से, वो भी दोनों एंट्री है, दोनों एग्जिट है, इतना ज्यादा भीड़ है क्या बोले। हो इसको बोलते हैं हम लोग घोटी गौरव, मतलब घोटी मतलब है लोटा, ये जो है उसमें आग जला के ये भुजिया गर्म होता है और उसको फिर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ले लूटे ले ऑफर, ठीक है एक और स्टाइल मुंजा दिच्छो, लूटे ले ऑफर, ना 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 पूरा एक और स्टाइल। अभी अभी हम लोग देख के आए बेलेघाटा 33 पोल्ली। अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ था तो टाइम लेके कुछ देख ही नहीं पाई, घर जाके वीडियो में देखना पड़ेगा शायद। अभी हम लोग आए हैं उल्टोडांगा सूरीर बागान। इस बार का यहाँ का थीम है ट्रिब्यूट। आर्ट कॉलेज में या मॉडर्न आर्ट्स के लिए जो लोग मॉडल बनते हैं उन लोगों के लिए ये ट्रिब्यूट है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि टीचर्स डे पे हम लोग टीचर्स को लेके या पेरेंट्स को लेके बहुत हल्ला मचाते हैं, लेकिन ये लोग भी आर्ट टीचिंग में बहुत बड़ा दान रखता है, लेकिन इन लोगों का कोई स्वीकृति है नहीं, तो बस इन्हीं के लिए ये पैंडल बना है। पैंडल के हर कोने कोने में अलग अलग पेंटिंग बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे पेंटिंग का देवी निकल के रियल लाइफ के देवी के सर पे वो खुद डाल रही है। ये जो पूरा व्हाइट कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं डार्केस्ट शांत। तो दिस इज बेसिकली शाबे की पूजो जो होता है वैसा है, और हम लोग जो अभी इतना टाइम से विजिट कर रहे थे वो है थीम पूजा। तो ये जो पूजा देख रहे हैं आप लोग ये है एकदम ऑथेंटिक, जो कि ज़मींदारों के घर में होता था वैसा वाला दुर्गा पूजा। और अभी तो सिर्फ कंपटीशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या तो फिर बोल सकते हैं कि भीड़ बढ़ाने के लिए ये थीम पूजा होता है, लेकिन प्रॉपर जो बंगाली दुर्गा पूजा है ऐसा ही होता था। मेरे घर पे भी कभी हुआ करता था दुर्गा पूजा, अभी तो नहीं होता है तो वो एक बहुत मिस करने का जगह है, लेकिन ठीक है, कुछ ना मिलने से कुछ दूसरा मिल जाता है। अभी इतना ज़्यादा पैंडल हॉपिंग करने का टाइम मिल जाता है। तो अभी आए हुए हैं उल्टोडांगा तेलंगा बागान, जो कि हर बार अच्छा खासा बना लेता है, लेकिन इस बार का थीम पता नहीं चला।
थैंक यू। ये पहली बार पास यूज करके हम लोग अंदर आए, जबकि 50-100 पूजा का पास है हम लोगों के पास, बट यूज करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली चलो। ये लंबा लाइन वहां पे वहां तक है एकदम, और हम लोग एकदम खाली खाली में आ गए। थोड़ा टाइम दिए ये पूरा व्लॉग बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे बहुत भीड़ था, लेकिन फिर भी वो भाई ने मुझे थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि उसको पता चला कि मैं यूट्यूबर हूँ। और यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा लाइटिंग और ज़्यादा होने से अच्छा होता। तेलंगाना विधानसभा का जो पंडाल था वो बहुत ही पसंद आया मुझे पर्सनली, और पता नहीं थीम क्या था, बट थोड़ा एक चीज़ अगर लाइटिंग और थोड़ा ज़्यादा होता तो शायद अच्छे से दिख पाता, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा काम था अंदर, वो लाइटिंग की वजह से ठीक से दिख नहीं रहा था, बस थोड़ा इतना ही कमी लगा। नींद आ रहा है, फिर भी बैठ के बातें करना चाहिए, क्योंकि कल का दिन ही है बस, फिर तो गया, दुर्गा पूजा खत्म होने वाला है। दो दिन के लिए आई, कोलकाता घूमना हो गया, अभी जाने का भी टाइम आ गया है। गाइस अभी वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है, हम लोगों का डिनर तो ख़त्म हुआ, कल जाने वाले हैं साउथ कोलकाता घूमने के लिए, पैंडल हॉपिंग के लिए। अच्छा एक प्लान बना है, आज जो दोस्त लोग निकले थे कल भी वही निकलेंगे, सिर्फ ये दोनों मिस हो गए थे, तो क्योंकि सुदीप दा आज थोड़ा बिजी थे काम में, कल हम 8 लोग घूमने जाने वाले हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, महानवमी के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मेरा चैनल जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाहर हो रहे बारिश, तो अभी हम लोग 2-3 घंटा क्लब में फंसे हुए थे, अभी घर जाना ही पड़ रहा है क्योंकि 2 बज गया है, बहुत नींद लग रहा है, कल नहीं तो नहीं जा पाएंगे घूमने, तो नहीं जा पाएंगे, भागना पड़ेगा, बारिश में नहीं भीगना है।